सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है सबका MRM लीगल एक्सपर्ट्स की नई वीडियो में। मैं अधिवक्ता MR मिश्रा आज आपके समक्ष एक और नया केस लेकर आया हूं जो कि बहुत रोचक है। और ये केस है तो US सुप्रीम कोर्ट का, मगर इस केस के बाद से आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैरीटाइम लॉ एडमिरलिटी लॉज के साथ साथ बेसिक लॉ इम्प्लीमेंटेशन रेट्रोएक्टिवली होना चाहिए या प्रोग्रेसिवली होना चाहिए, इसको लेके बात करी है। ये केस हाल ही में भारत में चल रहे मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाले केस में भी रेफ़र करा गया है और कई केसों में इसका जिक्र होता है। तो जो साथी हमारे विशेषकर मैरीटाइम लॉ से संबंधित हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, मगर ये सामान्यतः हर किसी के लिए ज़रूरी है जानना कि कैसे रेट्रोएक्टिव लॉस के इम्प्लीमेंटेशन से या किसी लॉ को रेट्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंट करने से कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं और उसे टैकल कैसे करा जाता है। तो ये केस है शेवरॉन ऑयल कंपनी वर्सेस ह्यूसन का, ह्यूसन दिसंबर 1965 में। ह्यूसन पूरा नाम इनका GT ह्यूसन है। ये एक ऑयल रिग पे काम कर रहे थे आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ लुसियाना कोस्ट पे, मतलब लुसियाना तट है अमेरिका का, उसके आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही गहराई तक फैला होता है ना। UN कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज के अनुसार तो 12 नॉटिकल माइल्स जैसा एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है हमको, उस पर मैं फोटो लगा दूंगा आप देख लेंगे। मतलब ये किसी भी राष्ट्र का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ के मिनरल संसाधनों को वो दोहन कर सकते हैं। दे कैन एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स, दे कैन एक्सट्रैक्ट द सी बेड रिसोर्सेज फॉर देयर नीड्स। तो ऐसे आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एक ऑयल रिग पे काम चल रहा था। ऑयल रिग मतलब तेल निकाला जाता है समुद्र की गहराइयों से। वहाँ पे ह्यूसन जो थे वो काम करते थे और उनकी वहाँ पे एक इंजरी हो जाती है 1965 में, एक इंजरी हो जाती है और उसे वो हालांकि कुछ ऐसा एड्रेस नहीं करते हैं। उस इंजरी की सीरियसनेस का उनको पता लगता है कई महीनों बाद, तब वो केस फाइल करते हैं 1968 में केस फाइल करते हैं जनवरी 1968 में केस फाइल करते हैं और कंपनी से डैमेजेस क्लेम करते चाहते हैं कि मैं डैमेजेस कंपनी मेरे को दे, क्योंकि वर्क प्लेस पे काम करते वक्त दुर्घटना हुई थी। अब आपके सामने पहला ही क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, सर अगर 1965 में कोई डैमेज कोई इंजरी हुई थी तो 1968 में क्या उसके डैमेजेस क्लेम करने पे मिल सकते हैं डैमेजेस? यही तो इस केस के इर्द गिर्द घूम रही बात है। और इस केस में और चीज़ों को एड्रेस करा गया है, मैरीटाइम लॉ, एडमिरलिटी लॉज और लैंड लॉज को भी। तो आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक कोर्स साथ साथ में जो नोट्स हमने बनाए हैं उसको भी पढ़ते पढ़ते आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि नोट्स को भी देखना ज़रूरी होता है। केस ही कॉम्प्लिकेटेड, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि पूरा ओवरऑल ओवरव्यू तो दे भी नहीं पाएंगे कोई भी, क्योंकि ये नोट्स मेरा इंटरप्रिटेशन है पूरे केस का। तो हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर दूँ, हो सकता है कुछ पॉइंट्स गलत हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हर किसी का अपना इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस होता है। तो शुरू करते हैं। रिस्पोंडेंट वॉज इंजर्ड इन दिसंबर 1965। रिस्पोंडेंट यहाँ पे ह्यूसन है, क्योंकि कंपनी ने भी चैलेंज करा था इसको कोर्ट ऑफ अपील्स में जाके। वॉज इंजर्ड इन दिसंबर 1965 वाइल वर्किंग ऑन पटिशनर्स आर्टिफिशियल रिग लोकेटेड इन द आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ लुसियाना कोस्ट, लोकेटेड इन द आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ लुसियाना कोस्ट। एलिजेडली नॉट अंटिल मैनी मंथ्स लेटर वर द इंजरी डिस्कवर्ड। और जो इंजरीज हैं ये कई महीनों बाद, मतलब कि 1968 में जाके डिस्कवर होती हैं पटिशनर रिस्पॉन्डेंट को, एंड वर डिस्कवर्ड टू बी सीरियस इन नेचर। In January 1968, respondent brought suit for damages against petitioner in the Federal District Court. Petitioner यहाँ पे कंपनी है आपकी Chevron. The District Court relying on the Rodrigue versus Atina Casualty and Surety Company 1969 के जजमेंट को रिलाय करते हुए held that Louisiana's 1 year limitation on personal injury actions applied. Rather than the Admiralty Lashes Doctrine. तो यहाँ पर दो मेन डॉक्ट्राइन्स या लॉज हमारे सामने आ रहे हैं। पहला एक है रॉड्रिग वर्सेस एटिना श्योरिटी को का केस, जो 1969 में डिसाइड हुआ था, ठीक है ना। अभी देखते हैं ना 1968 में तो बंदे ने केस फाइल करा है,
और अभी केस चल रहा है, तो 1969 आते आते एक सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे केस में, रॉड्रिग वर्सेस एटिना कैजुअल्टी वाले केस में, एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट के आधार पे, उस रॉड्रिग वाले केस में क्या हुआ था, मैं उसका मैं आइडिया दूंगा आपको। तो रॉड्रिग वाले केस में ये हुआ था कि दो महिलाएं ऑयल रिग पे काम करती थीं, उनकी वहाँ दुर्घटना में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उस घटना में उनको जो नुकसान होता है, फिर वो चैलेंज करते हैं कोर्ट में। अब उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्या है क्या नहीं है। फिलहाल उस रॉड्रिग वाले केस में जो जजमेंट आया था वो ये था कि आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होगा वो मैरिटाइम लॉ या एडमिरल्टी लॉ से में कंसीडर नहीं करा जाएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, उसे हम लैंड लॉ में ही कंसीडर करेंगे। लैंड लॉ मतलब जो स्टेट का लॉ होगा, और स्टेट के लॉ में टाइम लिमिटेशन मेंशन करी हुई है पर्सनल इंजरी की। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशंस होता है कि आप कोई भी केस को कब तक फाइल कर सकते हैं, तो उस समय स्टेट के जो लिमिटेशंस लॉ थे उसके अंतर्गत पर्सनल इंजरी के केस आप विद इन 1 ईयर आपको फाइल करने पड़ेंगे। आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो ऑयल रिग होती है वो होती है समंदर पे, वो आती है मैरिटाइम लॉ के अंदर, एडमिरल्टी लॉज के अंदर। एडमिरल्टी लॉ मतलब क्या, एडमिरल्टी लॉज। और एडमिरल्टी लॉज में US में अप्लाई होता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझना कि वहाँ मैरिटाइम लॉ जनरली इम्प्लीमेंट जो भी कार्य, जो भी गतिविधि आपके समंदर में चल रही होती है उस पर होता है, तो उसके अंतर्गत आपके जहाज़ आते हैं और संबंधित गतिविधियाँ आती हैं, चाहे वो सी बेड एक्सप्लोरेशन हो, सबमरीन से एक्सप्लोरेशन हो, या नेवल एक्सपडिशन हो, कुछ भी हो। तो वहाँ पे कौन से लॉ लागू होते हैं, एडमिरल्टी लॉज या मैरिटाइम लॉज। तो ये रॉड्रिक वाले केस में एक ये जजमेंट में, और केस जैसे जैसे बढ़ता गया ये पॉइंट निकल के आया कि सर जहाज़ और तमाम चीज़ें तो मूविंग होती हैं, अब ऑयल रिग तो परमानेंट स्ट्रक्चर है और वो भी आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे खड़ा हुआ है। आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो पार्ट ऑफ द स्टेट माना जाता है ना। UN कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज में जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ था 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि रॉड्रिग वाले जजमेंट में कि भैया वो तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, वहीं का वहीं खड़ा है और अटैच टू द परमानेंट बेड है, तो उसके ऊपर लैंड लॉ ही लागू करेंगे। अब इसमें क्या तर्क और वितर्क दिया गया था उसमें मैं आज नहीं जाऊंगा, वो रॉड्रिग वाला केस अलग से है, बाकी हालांकि मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो केस का अध्ययन करा रॉड्रिग वर्सेस एटिना वाले का, मुझे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिले, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। तो फिलहाल इसमें कंक्लूड करूंगा मैं रॉड्रिग वाले केस को। तो रॉड्रिग वाले केस जजमेंट क्या आया था कि आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे परमानेंट स्ट्रक्चर पर भी लैंड के लॉ अप्लाई होंगे, मतलब जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो भी निकटतम स्टेट होगा उसके, ठीक है। अब वापस आते हैं, तो ये 1969 में रॉड्रिग का जजमेंट आ चुका था, और जो लैंड का लॉ है मतलब जो धरती पे ज़मीन पे जो नियम होगा उसमें नियम सारे कानून, मतलब जो वहाँ के IPC CRPC लागू होते हैं, वैसे ही वहाँ का जो लिमिटेशन है वो लागू हो जाएगा। और वहाँ का जो लिमिटेशन है लुसियाना स्टेट का, वो ये कहता है कि पर्सनल इंजरी में आपको 1 साल के अंदर क्लेम करना चाहिए डैमेजेस। अगर आपने 1 साल में डैमेजेस क्लेम नहीं करे हैं तो फिर आप केस नहीं कर सकते। कोर्ट ने इसी रॉड्रिग वाले फैसले को एक्सेप्ट करते हुए ये कह दिया कि ये केस तो सही नहीं है, इसी को चैलेंज करा गया था कि क्या अब आप एडमिरल्टी लॉस को इसमें मान रहे हैं या फिर लॉ ऑफ द, या जो लैंड के लॉज हैं, स्टेट के लॉ हैं, उसको मानेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अभी संयम बना के रखिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिलाइंग ऑन द रॉड्रिग वर्सेस एटेना कैजुअल्टी 1969 हेल्ड दैट लुसियानास 1 ईयर लिमिटेशन ऑन पर्सनल इंजरी एक्शंस अप्लाइड रादर देन द एडमिरल्टी लैशेस डॉक्ट्राइन एंड ग्रांटेड पटिशनर्स मोशन फॉर समरी जजमेंट एंड ग्रांटेड द पटिशनर। पटिशनर यहाँ पे कौन है, शेवरॉन कंपनी, फॉर द समरी जजमेंट। रॉड्रिग हैड हेल्ड दैट स्टेट लॉ एंड नॉट एडमिरल्टी लॉ अप्लाइड ऑन द फिक्स्ड स्ट्रक्चर। रॉड्रिग में ये कहा गया था स्टेट लॉ अप्लाई होगा एंड नॉट द एडमिरल्टी लॉ ऑन द फिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑन द आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सटेंडेड टू दैट एरिया एज फेडरल लॉज द लॉज ऑफ एडजेंसी टू द एक्सटेंट दैट दे आर एप्लीकेबल एंड नॉट इनकन्सिस्टेंट, टू द एक्सटेंट दैट दे आर एप्लीकेबल एंड नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द फेडरल लॉज।
रिस्पॉन्डेंट आर्ग्यूड दैट ऑन अपील इन व्यू ऑफ प्री रॉड्री जुरिसप्रूडेंस. अब रिस्पॉन्डेंट यहाँ पे कौन है? ह्यूसन, जो कर्मचारी जिसे चोट लगी थी. अब उसने आर्ग्यू करा. रिस्पॉन्डेंट आर्ग्यूड दैट ऑन अपील दैट इन व्यू ऑफ प्री रॉड्री जुरिसप्रूडेंस मेकिंग एडमिरलिटी लॉ दैट इज लॉयस डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल इट वुड बी अनफेयर टू गिव दैट डिसीजन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. अब देखो रॉड्री वाला लॉ कब अप्लाई, कब जजमेंट आया? 1969 में आया. तो रिस्पॉन्डेंट जो कि हमारा ये कर्मचारी था ह्यूसन, इसने ये कहा, मतलब इनके अधिवक्ता ने ये कहा कि साहब जो आप बात कर रहे थे पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, कि एक साल के अंदर अंदर ये केस फाइल हो जाना चाहिए पर्सनल इंजरी और हेल्थ इंजरी वाले, ठीक है, ये आपका फैसला 1969 में आया है, 1969 में आया है, मगर ये चोट तो हमें 1965 में लगी थी ना, और 1968 में भी ये केस फाइल करा गया था, तो आप इसे बैक में क्यों अप्लाई कर रहे हैं कि 1969 आते आते ये नियम स्टेट का बदल चुका है? तो इसमें इसमें फिर काउंटर करा गया कि बोले ठीक है अगर आप ये कह रहे हो तो भी ठीक है, जो एडमिरलिटी लॉ है समुद्र का जो कानून है एडमिरल्टी लॉ, वहाँ का उसमें लैशेस डॉक्ट्राइन का जिक्र करा है. लैशेस डॉक्ट्राइन में भी ये बात कही गई है, मगर आपको एक बार लैशेस डॉक्ट्राइन पढ़ के बताऊँ, थोड़ा समझते हुए चलिएगा, क्योंकि केस अगर इतने आसान होते तो वकालत ही किस बात की होती. मगर बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच करा है इसमें, ठीक है, बहुत सारी बातों को एड्रेस करा है जो कि हमारे भी कई केसेस में काम आ सकते हैं. हालांकि हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ही जाता रेफ़र करा जाता है ऐसे केसेस को, मगर नॉलेज के लिए भी कोई नुकसान नहीं है. अब डॉक्टर ने लैशेस क्या है जो वहाँ पे एडमिरलिटी लॉ इम्प्लीमेंट होता है? इट इज़ अ लीगल प्रिंसिपल यूज्ड इन बोथ सिविल एंड एडमिरलिटी केसेस. सिविल एंड एडमिरलिटी केसेस that bars a claim when there is an unnecessary delay in pursuing. अगर कोई भी unnecessary delay होती है केस को pursue करने में तो फिर वो केस नहीं माना जाएगा. which prejudices the defendant. it is based on the idea that equity aids the vigilant not those who slumber on their rights. तो Lash's doctrine किस पे टिका हुआ है? एक्विटी एड्स द विजिलेंट, जो विजिलेंट है, एंड नॉट दोज हु स्लंबर ऑन देयर राइट्स, जो बस अपने बस कानून हमारा अधिकार अधिकार है बोलते बोलते बस उसमें टहलते रहते हैं. अनरीजनेबल डिले को एड्रेस करा था लैशेस डॉक्ट्राइन ने. द क्लेमेंट हैज टेकन टू लॉन्ग टू एसर्ट देयर राइट्स और फाइल अ लॉसूट विदाउट अ वैलिड रीजन. अगर अनरीजनेबल डिले है जो कि बिना कोई वैलिड रीजन के उस केस फाइल करने में लगाया गया, तो भैया कोर्ट कैनॉट हेल्प इट. Prejudice to the defendant. The delay has caused harm or disadvantage to the defendant. This could be due to loss of evidence, faded memories, or other changes that make defendant against the claim more difficult. Unlike statute of limitations, which are fixed legal deadlines for filing a lawsuit, the doctrine of laches is more flexible. मतलब doctrine of laches ने जब वो अपने time पे इसको लागू करा गया तो वहाँ पे address तो करा था कि अगर आप ही vigilant नहीं है तो भैया उसमें आपका state कैसे कभी भी केस फाइल करने के लिए कह देगा. मगर जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस था जो कि एडमिरलिटी लॉस पे अप्लाई होता था और उससे पहले स्टेट लॉस पर भी अप्लाई होता था, वो सारी बातें कहने के बाद भी कुछ एक्सेप्शंस को लेके चल रहा था कि किन इन इन पॉइंट्स की वजह से अगर डिले हो रहा है तो लिमिटेशन नहीं लागू होगी, तो लिमिटेशन लागू नहीं होगी. मतलब कि आसान भाषा में डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस वो था फ्लेक्सिबल, डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस का तो फ्लेक्सिबल था डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस. स्टेट लिमिटेशंस लॉज बहुत सख्त होते थे, 1 year, 2 year, 6 months, 8 months. डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस इन सबको भी ऊपर चला गया कि हाँ नियम लागू होते हैं, लिमिटेशंस लागू होती हैं, जुरिसप्रूडेंस का तो ये आधार ही है लिमिटेशंस आपका, मगर फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको रखनी पड़ेगी.
डॉक्ट्राइन वॉज मोर फ्लेक्सिबल एंड अप्लाइड बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस, और ये केस टू केस पे अप्लाई हो सकता है डॉक्ट्राइन एनालिसिस आपका. कोर्ट कंसीडर फैक्टर्स लाइक हाउ लॉन्ग डिले वॉज, वाई डिले हैपेंड एंड वेदर इट कॉज अनफेयर हार्म टू द अपोजिंग पार्टी. डॉक्ट्राइन एनालिसिस बेसिकली ये कहना चाहता है कि आप ना लिमिटेशन वगैरह बिल्कुल अप्लाई करिए, लॉ ऑफ लिमिटेशन है उसको बिल्कुल फॉलो करिए रूल को, मगर केस टू केस बेसिस पे ये जानने के भी अधिकार, ये जानने का भी प्रयास करिए कि डिले क्यों हुआ है. तो अब वापस आते हैं आसान भाषा में, रॉड्रिग वर्सेस एटेना जो कि 1969 में आया था, उसमें तो ये कह रखा था भैया लिमिटेशन मतलब लिमिटेशन, 8 बजे 4 बजे अगर ड्यूटी ओवर तो ड्यूटी ओवर. मगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस क्या कहता है, डॉक्ट्रिन लैशेस कहता है कि अगर 4 बजे से थोड़ा आगे भी काम करना पड़ रहा है या उससे पहले बंद करना पड़ जा रहा है तो एक बार रीज़न भी जानने का प्रयास करिए. वो फ्लेक्सिबल था, अगर किसी को केस करने में डिले हो रहा है तो एक बार रीज़न भी जानने का प्रयास करिए वो डिले क्यों है, उसको एड्रेस करिए. और डॉक्टर ऑफ लैशेस कोई सीधी लकीर नहीं खींचती थी, उसने कहा था केस टू केस डिपेंड करता है. अब यहाँ पे जो यूसन था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस का सहारा ले रहा था, जो कि सही बात भी है. यूसन ने यही बात कही कि आप रॉड्रिग वाला जजमेंट जो 1969 में आया है, केस भी चलते चलते 1969 तक पहुंच गया था, कौन से कोर्ट में केस जल्दी फैसले हो जाते हैं. तो ह्यूसन के वकील ने यह कहा कि सर आप 69 में ये जजमेंट आ गया, आप इसे लागू करवा रहे हो मेरे ऊपर, मगर मैं तो यही मान के चल रहा था ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस मेरे ऊपर है और मेरे पे वैलिड रीज़न है कि मेरे जो इंजरीज हैं वो डिस्कवर बाद में हुई हैं. अरे चोट लग गई वो गंभीर कब हुई, जब कई कई समय के बाद उसका घाव बन गया या जो भी कारण है. तो ह्यूसन के अधिवक्ता ये कहते हैं कि भैया मैं तो यही मान के चल रहा था ना कि डॉक्टर लैशेस है और उसमें बताया हुआ है कि कोर्ट जो होगा वो केस टू केस बेसिस पे सोच विचार कर सकता है कि डिले क्यों हो रहा है, ना कि सीधे तौर पे लिमिटेशंस की लकीर खींच के बोल दे कि आपका केस हम नहीं लेने वाले हैं, अब तो लिमिटेशन की अवधि हो गई. आगे बढ़ते हैं. द कोर्ट ऑफ अपील्स रीचिंग द आर्ग्यूमेंट रिवर्स्ड होल्डिंग दैट लुसियानास प्रिस्क्रिप्टिव टाइम लिमिटेशन विच बार्ड द रेमेडी बट डिड नॉट एक्सटिंग्विश द राइट टू रिकवरी वॉज नॉट बाइंडिंग आउटसाइड द लुसियाना फोरम. Consequently, the court concluded that time limitation was not applicable of its own force and was inconsistent with the admiralty lashes doctrine, which though not directly applicable by virtue of Rodrigue, was applicable as a matter of federal common law. आगे बढ़ते हैं. मैं जजमेंट जो ओरिजिनल जजमेंट था उसी को इंटरप्रेट करके जो नोट्स बने थे उसको लेकर आपको सामने ला रहा हूँ. मैं फिर से कहता हूँ कि हो सकता है इंटरप्रिटेशन कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूँ, मगर प्रयास है कि क्योंकि देखिए बहुत समय लगता है ये इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च करने में, तो अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो क्षमा कर दीजिएगा अपने छोटा भाई समझ के. आगे बढ़ेंगे. तो अभी हमने ये समझने का प्रयास करा कि कोर्ट में क्या क्या तर्क रिस्पोंडेंट और पटिशनर रखे, जो कि कन्फ्यूजन का एक बहुत बड़ा समंदर बन गया. अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा अब समझते चलेंगे, ठीक है, अब ज़्यादा समय लगेगा. तो अब ये हम समझ गए हैं कि ह्यूसन ने ये कहा था कि यार ये आप कैसे कर सकते हो, मेरा केस पुराना है, आप नए नियम को मेरे इम्प्लीमेंट करा रहे हो, ऐसा अगर होने लगेगा तो फिर मेरा जो राइट है वो तो बिल्कुल आपने इन्फ्रेंच कर दिया है, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया. फिर अब इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में ये अपील जब लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अध्ययन करा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्किट कोर्ट्स क्या क्या एड्रेस कर रहे हैं लुसियाना स्टेट में. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जब इंटरफेयर करा तो ये स्पष्ट कर दिया कि लुसियाना का जो 1 ईयर लिमिटेशन का रूल है 1 साल का, वो लागू तो होता है लेकिन रॉड्रिग का फैसला, क्योंकि ह्यूसन के पुराना केस है तो रॉड्रिग का फैसला पिछली तारीख पे लागू नहीं हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया.
पिछली तारीख पर लागू नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, एड्रेसिंग द केस इन विच द रिस्पॉन्डेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेव मिस जजमेंट फॉर डैमेजेस, हिंदी में बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉड्रिक का फैसला ह्यूसन के केस पर पिछली तारीख से लागू करना अन्यायपूर्ण होगा। मतलब उन्होंने कहा भैया ये नहीं, गलत है, ये गलत है, क्योंकि जब ह्यूसन ने मुकदमा दायर किया तब, मैंने आपको पहले ही एड्रेस करा था ना कि मुकदमा जब दायर हुआ है और इंजरी जब हुई है उसमें बैक डेट चल रही है, तब ऐसा कोई आदेश नहीं था कि राज्य का कानून उन पर लागू होगा, और वो तब यही मान के चल रहे थे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस लागू उन पर होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस तो भैया फ्लेक्सिबिलिटी देता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस तो ये कहता ही है कि हाँ लिमिटेशन को बिल्कुल फॉलो करा जाए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस ने कहीं पे भी स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस को डिसक्रेडिट नहीं करा है, जबकि उसने ये कहा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैशेस ने कि केस टू केस कोर्ट ये जानने का प्रयास करे कि अगर डिले हुआ है तो डिले क्यों हुआ है, और अगर डिले होने के पीछे कोई रीजनेबल कारण है तो हम वहाँ पे व्यक्ति को फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में अलाउ कर सकते हैं केस फाइल करने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जैक्टली यही कहा कि बैक डेट के केस में 1969 का जजमेंट आप कैसे एंटर करवा रहे हैं, और यही तो यही सुप्रीम कोर्ट वाला जो मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उसे स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड वाला केस है, वहाँ पे इसी इस केस में यही पहलू को रखा गया है, ना कि कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले मैटर को। यहाँ पे यही जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस है भारत का, उसमें यही बात है कि पुराना नियम लागू होगा क्या, या नया नियम पुराने केस में कैसे लागू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, है ना। आप देखिए, आप प्रैक्टिकली आप सोचिए कि आप कोई केस फाइल करना, कोई केस फाइल कर रहे हैं आप, तो आप तो उस समय जो कानून है उसी के तहत सोचे कर रहे हैं ना। अब ये थोड़ी है कि बाद में कोई नया कानून आ गया तो कोर्ट उसे डिस्क्रेडिट कर देगी, भैया ये तो लागू नहीं हो रहा है, ये बदल चुका है। तो आपको तो आपके ऐसे अधिकारों से वंचित रखा जाएगा, ये तो बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। तो बहरहाल इसमें केस फाइल को आगे बढ़ाते हुए अंत भी करूंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। उसमें यही हुआ कंक्लूजन कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लुसियाना का एक साल का समय सीमा कानून भविष्य के मामलों में लागू होगा, लेकिन ह्यूसन के केस में इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। तो जो रॉड्रिक वाला नया केस था वो बिल्कुल लागू होगा, मगर उस तारीख से जो नए केस आ रहे हैं उन पर लागू करा जाएगा, ना कि ह्यूसन वाले केस में। अब यही मुझे इस केस में बड़ा अच्छा लगा था कि इंटरप्रिटेशन कानूनों का जो अदालतों में होता है, यही तो इस फील्ड का खासियत है, एडवोकेसी का और इस लीगल फील्ड का, अटर्निटी का, नए नए पॉइंट्स निकल के आते हैं। कानून तो वही रहते हैं सालों साल, मगर उनका इंटरप्रिटेशन बदलता है तो नई नई बातें निकल के आती हैं, एक्ट्स का डायसेक्शन होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इसमें क्लियर कर दिया था कि कोर्ट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि पुराने केसेस के आधार पर अगर किसी ने भी केस फाइल करा है तो उसके भी अधिकार हैं कि वो कोर्ट से ये उम्मीद करे ऐसे मिसजजमेंट ना हो फ्यूचर केस को ओल्ड केस में रिमेंड करने के लिए। तो लुसियाना का समय सीमा कानून आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर लगी ह्यूसन को इंजरी पर लागू तो होता है, मगर रॉड्रिक वाला केस लागू नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय कानूनी नियमों को पिछली तारीख से लागू करना न्यायपूर्ण होगा। मैं बस कंक्लूड ही कर रहा हूँ आपका इसको। और ह्यूसन फिलिप्स केस में आगे बढ़ गए थे और फैसला इनको आया था। तो ये था आपका शेवरॉन ऑयल कंपनी वर्सेस ह्यूसन का विश्लेषण। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कल फिर आएगा नई वीडियो में और जुड़िएगा हमारे साथ। मेन पॉइंट्स क्या थे आपके हम डिस्कस कर दिए हैं, बाकी जो डिटेल्स मैं ब्लॉग पे डाल दूंगा, वेबसाइट पे आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं इस केस को बहुत ही मज़े से।
और अगर कुछ नया सीखने को मिले या कुछ नया पॉइंट अगर आपको ही मिल जाए केस का अध्ययन करते करते, तो आप मुझे शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने भी केस को पढ़ा और आपको नए नए पॉइंट्स निकल के आए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।